हे गाइस, स्वागत है आप सभी का रोडसाइड कोडर यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे डायनामिक प्रोग्रामिंग सीरीज़ का एक और क्वेश्चन जो कि है एडिट डिस्टेंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So the question says you are given two words, word 1 and word 2. Find the minimum number of operations required to convert word 1 into word 2. So अब हम लोग के पास दो स्ट्रिंग्स दी होंगी और हम लोग को पता करना है कि और हम लोग के पास तीन ऑपरेशन है करने के लिए, या तो इंसर्ट या डिलीट या फिर रिप्लेस। ओके, सो हम लोग को ये पता करना है कि कैसे हम लोग इस एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, कितने ऑपरेशंस के बाद हम लोग इस स्ट्रिंग को इस स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, सो फॉर एग्जांपल हॉर्स को हम लोग रोज़ में सबसे पहले तो हम लोग एच को आर से रिप्लेस कर देंगे और उसके बाद हम लोग आर को हटा देंगे और उसके बाद हम लोग ई को भी हटा देंगे, तो हॉर्स जो है वो रोज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इसको और अच्छे से समझते हैं। सो हमारे पास दो स्ट्रिंग्स हैं, कैट और कट। अब हम लोगों को कैट से कट बनाने के लिए कितने ऑपरेशंस करने होंगे? सबसे पहले हम लोग कंपेयर करते हैं। हम लोग इसमें बॉटम अप अप्रोच का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम लोग कंपेयर करते हैं लास्ट टू डिजिट्स को, टी और टी वो सेम है, तो हम लोग कुछ नहीं करना। उसके बाद हम लोग आते हैं ए और यू। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली ए को अगर यू से रिप्लेस कर दें, सॉरी टी पहले लिखा जाएगा, उसके बाद हम लोग यू से रिप्लेस कर दें, तो फिर ये हम लोग का एक ऑपरेशन हो गया, रिप्लेस ऑपरेशन। उसके बाद सी और सी सेम है, तो हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। सो हम लोग एक ऑपरेशन में कैट को कट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो हम लोग और डिटेल में देखते हैं इस चीज़ को कि हम लोग इसको अप्रोच कैसे करेंगे। सो यहाँ हमारे पास दो स्ट्रिंग्स हैं, कैट और कट। सो क्योंकि हम लोग बॉटम अप अप्रोच फॉलो कर रहे हैं तो हम लोग लास्ट के टू डिजिट्स को पहले कंपेयर करेंगे, टी एंड टी। सो वो दोनों सेम है, तो यहाँ पर कोई ऑपरेशन नहीं होंगे। सो अब हम लोग के पास तीन रास्ते हैं। यहाँ से तीन रास्ते कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो हम लोग एक इसकी डिजिट हटा के देख लेंगे और बाकी बचे हुए उसको कंपेयर करेंगे। फिर दूसरे ऑपरेशन में हम लोग इसकी डिजिट हटा लेंगे और बाकियों को कंपेयर करेंगे। और तीसरे में हम लोग लास्ट की दोनों डिजिट हटा लेंगे। तो इससे होगा क्या, हम लोगों के पास सारे पॉसिबल वेज आ जाएंगे इसको बनाने के, कि हम लोग के पास कितने तरीके हैं कि जिन तरीक़ों से हम लोग कैट को कट में बना सकते हैं। चल देखते हैं। सो हम लोगों ने इसमें ए को हटाया है, सो सी एंड यहाँ सी यू बचा, राइट। सो यहाँ पे हमारा एक ऑपरेशन हो गया। अब हम लोग इसमें आते हैं, यहाँ पे हम लोग तीन और ऑपरेशंस करेंगे। सो यहाँ पे हम लोगों ने एक ऑपरेशन किया जिसमें हम लोगों ने सी को फिर से हटाया। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों ने फिर से एक ऑपरेशन किया। अब देखिए यहाँ पे, सॉरी मैंने यहाँ गलत लिख दिया, यहाँ सी यू होगा क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे ए को हटाया है, ना कि यू को। सो हम लोगों ने ए को हटा दिया, तो यहाँ पे ये वाली स्ट्रिंग एम्प्टी हो गई और यहाँ पे दो बचा। अब ये देखिए यहाँ पे क्योंकि ये दो बचा है, तो अब इस ये कंपेयर करने के लिए बचा ही नहीं कुछ यहाँ पे, तो ऑब्वियसली इसको हटाने में हम लोगों को दो ऑपरेशंस लगेंगे। पहले हम लोग सी को रिमूव करेंगे, उसके बाद यू को रिमूव करेंगे, राइट। सो हम लोग को इसमें हटाने के लिए दो ऑपरेशन होंगे, तो यहाँ से ये दो रिटर्न करेगा, टू रिटर्न करेगा यहाँ से। सो 2 + 1 3, तो इसने यहाँ से 3 रिटर्न किया इस वाले एरिया से। हाँ, यहाँ से इसने 3 रिटर्न किया। हम लोग सेकंड देखते हैं, सेकंड में क्या हुआ। सेकंड में हम लोगों ने यू को हटाया है, राइट। यू को हटाने पे सी और सी बचा। अब सी और सी लास्ट में बचा है, तो इन दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे कोई ऑपरेशन नहीं लगा। सो यहाँ पे सिर्फ एक ऑपरेशन हुआ जो कि यू को हटाने का था और बाकी हम लोग को उसके बाद स्ट्रिंग सिमिलर मिल गई। अब तीसरे में हम लोग देख रहे हैं, तीसरे में हम लोगों ने लास्ट के दोनों डिजिट्स को हटा दिया है। सो लास्ट के दोनों डिजिट्स को जब हम लोगों ने हटाया, तो हम लोग पास एक एम्प्टी स्ट्रिंग आई और एक सी बचा, जिसमें हम लोग ऑब्वियसली हम लोगों ने एक हटाया, फिर उसके बाद एक ऑपरेशन हुआ और हम लोग को इसको हटाने के लिए भी एक ऑपरेशन लगेगा। सो 1 2, यहाँ से 2 ऑपरेशंस होके गए, यहाँ से एक ऑपरेशन हुआ, राइट। सो इन तीनों में मिनिमम कौन सा है? इन तीनों में मिनिमम है ये वाला जिसमें हम लोगों को एक ऑपरेशन लगा। सो 1 + 1, इधर से हम लोगों को 2 गया आंसर, ठीक है। सो ये एक ब्रांच से हम लोगों को 2 आंसर मिला। हम लोग दूसरी ब्रांच देखते हैं जिसमें हम लोगों को यू को हटाना था। सो यू को हटाने के बाद हमारे पास इधर सी ए और सी बचा। सो हम लोगों ने इन दोनों को कंपेयर किया। सो हम लोग अब फिर से यहाँ पे 3 और रास्ते लेंगे। पहले में हम लोगों ने ए को हटाया, तो सी और सी बचा। सो यहाँ पे एक ऑपरेशन हुआ और सी बचने के बाद हम लोग के पास यहाँ पे हम लोगों ने कोई ऑपरेशन नहीं किया, बिकॉज ऑब्वियसली हम लोग को स्ट्रिंग सिमिलर मिल गई हैं। सो अब यहाँ पे हम लोगों ने C को हटा दिया और CA बचा हुआ है यहाँ पे। सो यहाँ एक ऑपरेशन हुआ और यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया था कि जब एक स्ट्रिंग खाली हो जाती है तो दूसरी स्ट्रिंग को हटाने के लिए भी ऑब्वियसली दो रिमूव ऑपरेशंस लगेंगे, तो यहाँ से 2 रिटर्न करेगा वो। सो 2 + 1 यहाँ से 3 रिटर्न हुआ, यहाँ से 1 रिटर्न हुआ। अब यहाँ से क्या रिटर्न हुआ, यहाँ पे हम लोगों ने A को भी हटा दिया, C को भी हटा दिया। तो एक ऑपरेशन ये हुआ और दूसरा ऑपरेशन क्या हुआ, दूसरा ऑपरेशन C को हटाने में लगेगा, तो एक ऑपरेशन और यहाँ से हो गया। सो यहाँ से हम लोगों ने 2 रिटर्न कर दिया। सो इन तीनों में मिनिमम कौन सा है, इधर 2 रिटर्न किया, इधर 3 रिटर्न किया, इधर 1 रिटर्न किया। सो यहाँ इन तीनों में मिनिमम है 1, तो इधर से हम लोगों को आंसर गया 1। एंड सॉरी 1 एक पहला ऑपरेशन इसको हटाने में भी लगा था। सो 1 + 1 2 हम लोगों को यहाँ से रिटर्न हुआ, इधर से हम लोगों को 2 रिटर्न हुआ, इधर से यहाँ से 2 रिटर्न हुआ। हम लोग तीसरा देखते हैं। तीसरे में हम लोगों ने क्या किया, U और A को हटा दिया, लास्ट के दोनों डिजिट्स को हटा दिया। सो लास्ट के दोनों डिजिट्स को हटा दिया तो यहाँ C एंड C बचा। सो C और C में कोई ऑपरेशन लेगा क्योंकि ऑब्वियसली वो दोनों सेम है। सो यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ एक ऑपरेशन करना पड़ा, सॉरी यहाँ पे नहीं, इस जगह पे एक ऑपरेशन करना पड़ा। सो अब इन तीनों में देखिए 1, 2 और 2 में कौन सा मिनिमम है, 1। सो 1 हमारा आंसर है। ओके सो हम लोग कोड से देखते हैं, कोड से शायद और अच्छे से समझ में आएगा। ओके सो हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं इसके लिए। इन दोनों की लेंथ कॉमन एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं पहले। ओके सो हम लोगों ने किया क्या है, यहाँ पे हम लोगों ने वर्ड 1 भेज दिया, वर्ड 2 भेज दिया और उन दोनों के लास्ट पोजीशंस भेज दी, पोजीशन नहीं लास्ट इंडेक्स भेज दी हम लोगों ने लोगों की कितनी लेंथ है इसकी, क्योंकि हम लोगों को बॉटम अप अप्रोच फॉलो करनी है तो हम लोग T से स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। सो दैट्स वाई। सो हम लोग ये फंक्शन बनाते हैं। ऑलराइट सो सबसे पहले देखिए हम लोग को क्या करना था। सबसे पहले हम लोग कंपेयर कर रहे हैं लास्ट के 2 वर्ड्स को। ओके सो हम लोग लगाते हैं इफ word 1 डॉट कैर एट किस पे, i-1। i-1 क्यों कर रहे हैं हम लोग, बिकॉज ऑब्वियसली एरे जो है वो 0 से स्टार्ट होता है। सॉरी word 2 कैर एट j-1। ओके सो जब ये हम लोग को इक्वल मिल गया तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को कुछ भी नहीं करना, सिंपली रिटर्न कर देंगे। i-1 j-1 क्यों किया मैंने, क्योंकि अभी इनकी पोजीशन यहाँ पर थी T पर, अब वो U और A पे आ जाएगी पोजीशन। i-1 एंड j-1 कर दिया मैंने, ये समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को। एंड एल्स, अब एल्स में हम लोगों को क्या करना है, ये मेन पार्ट है। सो यहाँ पे हम लोग को 3 चीज़ें करनी है, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया। यहाँ पे हम लोग को 3 ऑपरेशन करने हैं, ये और ये। काफ़ी गंदा हो गया, इसको मैं साफ़ कर लेता हूँ। ओके सो हम लोग को 1, 2 और 3 ऑपरेशंस करने हैं। सबसे पहला ऑपरेशन इसमें हम लोगों को इधर वाला पार्ट हटाना है, इधर वाली कैरेक्टर को हटाना है। सो इंट इसको ले लेते हैं फर्स्ट। सो ई टी सो i-1 होगा इसमें। ओके और j वैसे का वैसा ही रहा। अब हम लोग को दूसरे वाले में j को -1 करना है और i वैसे का वैसा ही रहेगा। इसको नाम दे देते हैं हम लोग सेकंड। ओके और तीसरे ऑपरेशन में हम लोग को दोनों हटाने, तो बोथ नाम दे देते हैं इसको। अब शायद आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि हम लोग ये मतलब हटाने से हो क्या रहा है एग्जैक्टली हम लोग अब ये तो समझ में आ रहा है कि हाँ इक्वल नहीं है तो हम लोग दोनों को हटा दे रहे हैं, बट हम लोग को ऐसे हटाने से क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है? हटाने से ये हो रहा है कि हम लोगों ने एक बार ए को यू से रिप्लेस कर दिया और दूसरी बार यू को ए से रिप्लेस कर दिया। इसको हम लोग ऐसा मान के चल रहे हैं बिकॉज ऐसा तो हम लोग को दिखेगा नहीं, बट इन ऑपरेशन से एक तरीके से ये चीज़ सिम्युलेट हो रही है कि हम लोगों ने ए को यू, इधर हम लोगों ने ए को यू से रिप्लेस कर दिया तो एक ऑपरेशन हो गया, इधर हम लोगों ने यू को ए से रिप्लेस कर दिया तो एक ऑपरेशन हो गया, ठीक है। और इधर हम लोगों ने दोनों हटा ही दिए, सो मतलब हम लोगों का ये दोनों कंसिडर ही नहीं किया हमने। ओके, सो अब हम लोगों ने तीनों को ले लिया है, तीनों को हम लोगों ने कंप्यूट कर लिया। हम लोगों को करना क्या होगा, इन तीनों में से मिनिमम कौन सा है, यही तो निकाल लेते हम लोग वहाँ पे, तो हम लोग अब यही करेंगे। रिटर्न 1 + math.min। सबसे पहले हम लोग कंपेयर करते हैं फर्स्ट और सेकंड को। अब अगर आप लोग C++ में अगर कर रहे होते तो min क्या होता है, वो तीनों फंक्शन, min फंक्शन तीनों वैल्यूज़ को कंपेयर कर देता है एक साथ। बट जावा में क्या होगा, हम लोग को 2 math.min लगाने पड़ेंगे। सो सबसे पहला math.min फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करेगा, फर्स्ट और थर्ड math.min। हम लोग लेते हैं, सो अब ये इसको इन दोनों से जो भी मिनिमम होगा उसको तीसरे उससे कंपेयर करेगा। बहुत वाले इनको आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है। और हाँ, ये बात हम लोगों ने 1+ क्यों किया है, 1+ हम लोगों ने इसलिए किया है कि यहाँ तीनों ऑपरेशंस में से कोई भी ऑपरेशन जो होगा उसको हम लोग एक काउंट कर लेंगे कि हाँ एक ऑपरेशन हो चुका है इधर पे। सो ओके, सो हम लोगों का ये हो गया। हम लोगों ने बेस केस अभी तक नहीं लिखे हैं। बेस केस हमारे क्या थे, बेस केस थे हमारे जब इनमें से एक स्ट्रिंग ख़त्म हो जाती है, जैसे ये आई ख़त्म हो गया यहाँ पे और इधर आई और जे दोनों हो गए, ये तो नहीं, हाँ इधर जे ख़त्म हो गया। तो हम लोग क्या कह रहे थे, जब आई ख़त्म हो तो जे की जितनी भी वैल्यू हो उसको भेज दो वहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली जे में जितने भी होंगे उतने ऑपरेशन करके हम लोग को उसको रिमूव करना होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जे ख़त्म हो गया तो आई में कितने, 2 बचे, तो इसको 2 ऑपरेशन करके रिमूव करना होगा, ठीक है। तो ये हमारे 2 बेस केसेज है। सो इफ i =0 रिटर्न जे एंड इफ j =0 रिटर्न आई। ऑलराइट, सो हम लोग इसको रन करके देखते हैं। ओके, सो हम लोग का प्रोग्राम एक्सेप्ट हो चुका है। सो अब इसको सबमिट करके देखते हैं सारे टेस्ट केस रन करके। ओके, सो हम लोग को टाइम लिमिट एक्सीडेड एरर मिला है, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक नाइव अप्रोच है, रिकर्जन से बहुत ज़्यादा हम लोग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। सो अब हम लोग इसी प्रॉब्लम का डायनेमिक सॉल्यूशन देखते हैं, डायनेमिक प्रोग्रामिंग सॉल्यूशन देखते हैं। ओके, सो अब हम लोग इस प्रॉब्लम के डायनेमिक प्रोग्रामिंग सॉल्यूशन के अप्रोच में करेंगे क्या, हम लोग लेंगे एक 2D एरे। ओ मैन, कितना अच्छा 2D एरे बनाया मैंने। कृपया मेरी ड्राइंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान ना दे, आई एम नॉट वेरी गुड। ओके, सो हम लोग ने कैट और कट वाला एग्जाम्पल लेते हैं। हम लोग यहाँ पे कट, या सो कैट एंड कट। होगा क्या, हम लोग एक स्ट्रिंग को लेंगे हमारे रोज़ में और दूसरे स्ट्रिंग को हम लोग अपने लेंगे कॉलम्स में। सो अब हम लोग इस एरे को, हम लोग सब प्रॉब्लम्स होंगी इस एरे में, यहाँ 0 1 2 3 1 2 3। अच्छा, सो मैंने अब यहाँ पे ये किया क्यों, सो अब यहाँ होगा ये कि ये वर्ड बाय वर्ड इसको कंपेयर करेगा। फॉर एग्जाम्पल इसको अब इससे पूरे से कंपेयर करेगा, इसको इस पूरे से कंपेयर करेगा। कैसे, वो मैं दिखाता हूँ। सो सबसे पहला वर्ड है हमारा C और C, जो कि सेम है। जो हम लोग को सेम कैरेक्टर मिलेगा तो हम लोग डायगोनल वैल्यू जो होगी हम लोग उसको ले लेंगे और उसको यहाँ पे लिख देंगे, राइट। तो अब यहाँ पे C और A मैच नहीं कर रहे हैं, सो हम लोग यहाँ पे अब करेंगे क्या, हम लोग इन तीनों का मिनिमम लेंगे, 0 1 और 2 का। इन तीनों में से जो भी मिनिमम होगा उसमें हम लोग 1 ऐड कर देंगे। यहाँ पे अभी 0 मिनिमम है तो हम लोग 0 + 1 1 ऐड कर दिया हम लोगों ने। ऐसा हम लोगों ने क्यों किया, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग पास 3 ऑपरेशन है और तीनों में से कोई भी एक ऑपरेशन होगा, रिप्लेस, इंसर्ट या डिलीट में से कोई भी ऑपरेशन होगा। सो हम लोग उस ऑपरेशन को बताने के लिए हम लोग 1 ऐड कर देंगे। हम लोग C को T से कंपेयर करते हैं, C और T भी इक्वल नहीं है, सो हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों में से जो भी मिनिमम आंसर होगा उसमें हम लोग 1 ऐड कर देंगे, जो कि है 1, सो 1 + 1 2। सो हम लोग U को कंपेयर करते हैं अब इससे। सो U और C को कंपेयर किया, सो U और C इक्वल नहीं है, सो हम लोग इन तीनों में से जो भी मिनिमम होगा जो कि है 0, सो 0 में 1 ऐड कर देंगे। सो ऐसे हम लोग इस पूरे एरे को पॉपुलेट कर देंगे। 0 से U को A से कंपेयर किया, इन तीनों मिनिमम है 0, सो 1 लिख दिया यहाँ पे। U को D से कंपेयर किया, इन तीनों में है 1, सो यहाँ 2 लिख दिया। T को C से कंपेयर किया, सो यहाँ पे है मिनिमम 1, 2 लिख दिया, इनमें मिनिमम 1 है, यहाँ पे 2 लिख दिया। और T को T से कंपेयर किया, और जब हम लोग को इक्वल मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस वैल्यू को ऐसे का ऐसा लिख देते हैं। सो हम लोगों ने 1 को लिख दिया यहाँ पे। सो ये हमारा आंसर है। सो अब इस चीज़ को हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, हम लोग कोड देखते हैं। गाइज मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपको प्रॉब्लम के दौरान किसी भी एक्सप्लेनेशन में प्रॉब्लम आ रही तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं तुरंत आप लोगों को आंसर देने की कोशिश करूंगा। ओके, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था कि हम लोगों को सारी सब प्रॉब्लम्स को लिखना है, जो कि हैं ये और ये, ठीक। तो हम लोग सब प्रॉब्लम्स को लिखने सबसे पहले हम लोग को अपना एरे डिक्लेयर करना होगा। सो M और N हमारे इनकी लेंथ है, जो हमारी स्ट्रिंग्स हैं उनकी लेंथ है ये। सो हमने यहाँ एरे अपना डिक्लेयर कर लिया है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था, सब प्रॉब्लम्स को इनिशियलाइज करना, ठीक है। तो हम लोग अब यहाँ पे पहली रो को फिल कर रहे हैं, इस वाली रो को। सो यहाँ पे J, और यहाँ पे पहली स्ट्रिंग की साइज़ थी M, सो हम लोग M तक गए। फिर दूसरे की साइज़ है N, सो हम लोग N तक गए। ओके, सो ये हो गया। अब हमारे नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं, बाकी स्टेप्स हम लोग के पिछले अप्रोच के जैसे ही होंगे हमारे, बताता हूँ मैं भी करके आपको। अच्छा, सो अब यहाँ पे हम लोगों ने इनको और इनको फिल कर लिया है, तो हम लोग को इस वाले इंडेक्स से स्टार्ट करना होगा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1,1। सो हम लोग i का लूप 1 से लेकर एंड तक चलाएंगे, और j का लूप भी 1 से लेकर एंड तक चलाएंगे। सो i इक्वल्स 1, i लेस देन इक्वल्स एंड i प्लस प्लस, और j चलाते हैं। ऑलराइट, सो हम लोग को अपनी पिछली अप्रोच फॉलो करने होगी। पहले हम लोगों ने क्या किया था, पहले हम लोगों ने कंपेयर किया था कि अगर ये वर्ड इक्वल है तो फिर हम लोग को कुछ नहीं करना है, वरना हम लोग को उन तीन ऑपरेशन में से कोई एक ऑपरेशन करके मिनिमम निकालना है, जिस भी ऑपरेशन से हम लोग को मिनिमम आंसर मिलता है, ठीक है। सो इफ़ वर्ड 1 डॉट कैर एट आई माइनस 1, अगर उसका लास्ट डिजिट इसके लास्ट डिजिट के इक्वल है, j माइनस 1, तो हम लोग dt में स्टोर कर देंगे। और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, dp में अगर हम लोग को इक्वल मिल गया, हम लोग को c और c इक्वल मिल गया, या फिर हम लोग को t और t इक्वल मिल गया, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ये जो डायगोनल वैल्यू थी इसको उठा के यहाँ रख दिया, ठीक। तो हम लोग डायगोनल वैल्यू कैसे निकलती है, dp ऑफ i j इक्वल्स dp ऑफ i माइनस वन और j माइनस 1, ठीक है। ये हम लोग की एक पार्ट हो गया। अब एल्स हम लोग यहाँ पे फिर से वही अप्रोच करनी है कि हम लोग पास तीन ऑपरेशंस होंगे, dp j 1 प्लस मैथ डॉट मेन। अब अगेन हम लोग पास यहाँ पे 2 मैथ डॉट मेन हम लोग को लगाने पड़ेंगे। सबसे पहले हम लोग कंपेयर करेंगे, जब एक बार हम लोग इसको हटाते हैं, जब हम लोग एक बार इधर के डिजिट को हटाते हैं, और एक दूसरे ऑपरेशन में हम लोग इधर के डिजिट को हटाएंगे, और एक ऑपरेशन में हम लोग दोनों डिजिट को हटा देंगे। सो मैथ डॉट मेन आई माइनस 1 जी कंपेयर विथ डी पी ऑफ आई रहेगा और जी माइनस 1, ठीक है। और इसका जो भी आंसर होगा उसको हम लोग कंपेयर करेंगे। 1 सेकेंड, मैंने गलती कर दी यहाँ पे, मैथ डॉट मेन, इसको मैं नेस्ट कर देता हूँ उसके अंदर। यस, इस मैथ डॉट मेन का आंसर जो होगा उसको हम लोग कंपेयर करेंगे और j माइनस 1 से, ठीक है। सो इससे हम लोग का आंसर मिल जाना चाहिए। और अब हम लोग एंड में क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग के पास डीपी में सारी वैल्यूज़ पॉपुलेट होके आ गई है, तो लास्ट वाला जो हम लोगों का कैरेक्टर होगा, लास्ट वाला जो इंडेक्स होगा, उसमें हम लोगों को हमारा आंसर मिल गया होगा। सॉरी MNQ, क्योंकि MRN लेंथ है तो वहीं पे हम लोग की इंडेक्स होगी, लास्ट इंडेक्स। सो हम लोग उसको रन करके देखते हैं, आई थिंक सब ठीक है, रन करते हैं। ऑलराइट गाइस, सो ये हम लोग का सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो गया है और उम्मीद है कि इससे हम लोग को हमारा आंसर मिल जाएगा। लेट्स सबमिट दिस। ऑलराइट, सो हम लोग को हमारा आंसर मिल गया है और इट्स फास्टर देन 69.76% ऑफ ऑनलाइन सबमिशंस। सो दैट्स अ प्रीटी ग्रेट आंसर। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर से दीजिएगा, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो सो आप कमेंट्स में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस प्रॉब्लम से रिलेटेड या किसी और प्रॉब्लम से रिलेटेड। सो मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों को आंसर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।